विद्यार्थियों, कक्षा छठवीं में पाठ्य पुस्तक हिंदी अभ्यास सागर से व्याकरण के अंतर्गत तुकांत शब्दों का अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि आखिर तुकांत शब्द का अर्थ क्या है और तुकांत शब्द है क्या। तुकांत शब्द मतलब राइमिंग वाले वर्ड। तो हम पहले तुकांत शब्द का अर्थ जानते हैं। कविता की पंक्तियों के अंत में समान ध्वनि वाले शब्दों का इस्तेमाल या प्रयोग करना, या फिर तुक मिलाने वाले शब्द बनाना, या फिर किसी भी शब्दों की तुकबंदी करना, या दो से अधिक शब्दों में समान ध्वनि की पुनरावृत्ति करना। विद्यार्थियों, तुकांत शब्द का प्रयोग हम काव्य रचना के लिए करते हैं, अर्थात कविता रचना के लिए तुकांत शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए तुकांत शब्द धन, इसका तुक वाला शब्द बताइए, मन। यस, जान, मान, वेरी गुड। तो आइए कुछ तुकांत वाले शब्द देखते हैं हम। विद्यार्थियों, मैं भी बोलती हूँ और मेरे साथ साथ आप भी बोलिए। लाल, बोलिए इसका तुक वाला शब्द, बाल। छोटा, नाटा, आना, जाना, हाथ, साथ, काट, छाट। आगे रंग, अंग, रात, बात, संग, दंग, उमंग, तरंग, हद, कद। बच्चों, ये हैं तुकांत वाले शब्द। आप देख रहे होंगे लाल, बाल। लाल शब्द में अंतिम वर्ण ल और बाल शब्द में भी अंतिम वर्ण ल। अब ये दोनों तुक मिल रहे हैं, इसे कहते हैं तुकांत शब्द। दूसरा छोटा, नाटा, यहाँ पे भी देखिए टा, यहाँ पे भी टा, इसे तुक वाले शब्द कहते। आना, जाना, यहाँ पे भी ना, यहाँ पे भी ना। हाथ, साथ, यहाँ पे भी था, यहाँ पर भी था। काट, छाट। बच्चों, आशा करती हूँ आपको तुकांत वाले शब्द समझ में आए। अब गृहपाठ लिखिए जल्दी से। आपको 10 तुकांत वाले शब्द लिखना है और उन 10 तुकांत वाले शब्दों से एक कविता की छोटी सी रचना करना है। अच्छा बच्चों, यह अध्याय यहीं पे समाप्त करती हूँ। एक नए पाठ के साथ, एक नई उमंग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।